कोरोना वायरस को लेकर टेंशन का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और केरल के अलावा देश के कई हिस्सों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। शनिवार को पूरे देश से 16,488 नए मामले सामने आए हैं। पिछले दिन से ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 8,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। कर्नाटक में 24 जनवरी के बाद से सबसे ज़्यादा मामलों का पता चला है, जबकि पंजाब में पिछले 78 दिनों में सबसे ज़्यादा 628 नए मामले शुक्रवार को दर्ज हुए हैं। दिल्ली के अलावा कई राज्यों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केस आए। पिछले 24 घंटों में 16,488 नए कोरोना केस आए और 113 लोगों की जान चली गई। पंजाब में शुक्रवार को 628 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 78 दिनों में सबसे ज़्यादा हैं। कर्नाटक से 571 केस सामने आए, जो 24 जनवरी के बाद से सबसे ज़्यादा हैं। वहां बेंगलुरु नगरीय से सबसे ज़्यादा 368 नए केस मिले हैं। गुजरात से भी 460 नए मामलों का पता चला है। तमिलनाडु में पिछले हफ्ते तक केसेस में गिरावट देखी जा रही थी, वहां शुक्रवार को 481 मामले सामने आए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।